और यहाँ पे फाइबर दे रखा है, जब आप इसे यूं दबाएंगे तो भी ये नीचे दबेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती। और ये जाने वाला है महाराष्ट्र, और ये जाने वाला है उत्तर प्रदेश, और ये जाने वाला है मध्य प्रदेश। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज देखिए मैं क्या लेके आया हूँ, टूल बैग। और ये टूल बैग हमने बनवाया है और अब हमारे पास में टूल बैग का काम चालू हो चुका है। पहले क्या है कि आदमी नहीं आ रहा था टूल बैग बनाने के लिए, अब आ चुका है। अब पर्सनली हमने उसे रिकमेंड किया है कि वो हमारे लिए सिर्फ टूल बैग बनाए, और हम अब तरह तरह के अलग अलग टाइप के टूल बैग बनाने वाले हैं। कुछ एमरॉन वाले टूल बैग बनाने वाले जो छाती पे इस तरह से लग जाते हैं, और कुछ जो कमर में लग जाते हैं उस तरह के टूल बैग भी बनवाने वाले। तो ये हमारे ऑर्डर के टूल बैग है, ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 टूल बैग ऑर्डर के हैं और ये निकलने वाले हैं आज ही। ये देखिए ये हमने यहाँ पे लेबल निकाल के रखे हैं और ये आज यहाँ से जाने वाले हैं। तो अभी हम ये थोड़ी देर में यहाँ से रवाना करने वाले हैं, क्योंकि कुरियर वाला आके अभी लेके जाएगा, तो उससे पहले मुझे ये पैक करना है। तो अभी मेरे पास में 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे के अंदर ये सारे पैक करके रख दूंगा, और 2 घंटे के बाद में जो है कुरियर वाला आके सारे एक साथ लेके चला जाएगा। तो ये 6 के 6 ऑर्डर जो है ये अभी निकलने वाले हैं। इससे पहले 6 ऑर्डर हमने निकाल दिए जब हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि टूल बैग अवेलेबल हो गए हमारे वेबसाइट पे, और अभी भी अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, वहां पे क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। बस ध्यान रहिए कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, क्योंकि कुरियर सर्विस जो है हमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहा है, इस वजह से अभी कैश ऑन डिलीवरी बंद कर रखा है। तो आप बेफिक्र होकर के ले सकते हैं। काफी सारे दोस्तों को लगता है कि पता नहीं टूल बैग आएगा या नहीं आएगा, हम कोई सामान खरीद रहे वो आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए जो इंसान आपको चेहरा दिखा के बात कर रहा है वो इंसान कभी आपके साथ में धोखा नहीं कर सकता, और जो लोग बिना चेहरा दिखाए हुए ऑनलाइन काम करते हैं वो आपके साथ में ठगी कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको देखा ही नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, कैसे ढूंढेंगे इंटरनेट पे, और रिपोर्ट करेंगे तो क्या रिपोर्ट करेंगे कि भाई इस इंसान ने हमारे साथ में धोखा किया। तो भाई मेरे चेहरे को दिखा करके तो रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो खैर छोड़िए, ये तो आपके मानने ना मानने की बात है, विश्वास करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम तो जेन्युइनली काम करते हैं, क्योंकि हमको तो जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो हम ये काम कर रहे हैं और सबके पास में उनके सामान पहुंचाते हैं। जो भी जिस भी चीज का ऑर्डर करते हैं, चाहे लिफ्टिंग टूल हो, चाहे टूल बैग हो, चाहे कोई भी स्पेयर पार्ट हो, उनके पास तक ये पहुंच जाता है। और एक बार जो खरीदता है तो वो बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें हमसे खरीद ही रहा है, और डेली हमारे पास में ऑर्डर आते रहते हैं। तो इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो में भी बताया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बैग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से इसके कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और कितना स्ट्रांग ये बैग है। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन अभी आपको पूरा रिव्यू करके दिखाता हूँ इसको। तो देखिए ये है हमारा पूरा टूल बैग। तो इसको मैं पीछे से पहले खोल के दिखाता हूँ कि हमारे पीछे सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए ये पूरा इस तरह से खुल जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रिल मशीन रखने के लिए, और उसे पकड़ने के लिए आपको एक ये बेल्ट भी मिलेगा, और यहाँ पे आप अपनी हथौड़ी वगैरह और ड्रिल मशीन की बिट वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं। और इस तरफ आप बिल बुक वगैरह रख सकते हैं, आपको कोई बिल बुक वगैरह कुछ रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे फाइबर दे रखा है, और ये वाला जो सेक्शन है इस तरह से, इसमें भी फाइबर लगा हुआ है, जब आप इसे यूं दबाएंगे तो भी ये नीचे दबेगा नहीं। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ वापस। और इसमें आपको डबल चेन दे रखी है, अगर आप चाहो तो इसे ताला मार के भी रख सकते हो, कहीं पे अगर आप जा रहे हो टूल बैग रख के तो आप अपना एक ताला लगा सकते हो। डबल चेन आपको यहाँ और यहाँ आगे के सेक्शन में मिल जाएगी, और ये इतना स्ट्रांग है कि आप इसके ऊपर अगर कोई चीज भी रखेंगे ना इस तरह से दबा के तो भी ये नीचे नहीं दबेगा, क्योंकि इसमें फाइबर लगा हुआ है। तो ये आपका बैग हमेशा ऐसे के ऐसे खड़ा के खड़ा रहेगा, बिल्कुल पेटी के जैसे, और इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो। और इधर वाला ये जो कंपार्टमेंट है, जब हम इसे इस तरह से खोलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती, यहाँ पे ये कंपार्टमेंट मिलते हैं 1 और ये 2। यहाँ पे आप बड़े बड़े पेचकस प्लायर वगैरह चीजें रख सकते हो, और यहाँ पे देखिए पेचकस प्लायर वगैरह रखने के लिए सेक्शन बने हुए हैं, और यहाँ पे भी बेल्ट वगैरह लगा हुआ है, ये देखिए स्ट्रेचेबल बेल्ट है, किसी भी चीज को आप यहाँ पे भी हैंग करके रख सकते हो। और पेचकस और प्लायर रखने के लिए पूरा एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया, और सेम ऐसा के ऐसा कंपार्टमेंट आगे की तरफ भी है। तो ये इस तरह से अलग हो जाता है, आप इसे वापस जब यूं लगाएंगे तो इसमें भी आपको ये डबल चेन मिलेगी, आप इसमें भी लॉक लगा के रख सकते हैं। और ये वाले कंपार्टमेंट को जब आप खोलेंगे, ये देखिए अंदर की तरफ पेचकस प्लायर वगैरह रखने के लिए बहुत सारी चीजें दे रखी है, कंपार्टमेंट बने हुए हैं, आप बहुत सी चीजें रख सकते हो इसमें, बॉक्स भी रख सकते, स्क्रू बॉक्स वगैरह रख सकते हो, जैसे कि मैं भी रखता हूँ स्क्रू बॉक्स। और इसके आगे आपको एक जगह बन रखी है, यहाँ पे भी आप बिल बुक वगैरह कोई भी चीज इसमें रख सकते हो। तो ये इतनी सारी इसके अंदर जगह दे रखी है। तो ये स्पेशली हैवी टूल बैग है,
इसके अंदर आप 50 किलो तक वेट भी रखेंगे ना तब भी ये वाला जो हैंडल है ना ये निकलेगा नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग हैंडल बनाया हुआ है ये। और साथ ही आपको ये बेल्ट भी मिलता है, इसे आप कंधे पे लटका सकते हैं। तो ये है हमारा हैवी ड्यूटी टूल बैग जो कि एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह सबके यूजफुल है ये बैग। तो इससे पहले भी हमने इस टूल बैग के कई वीडियो बनाए हैं, उन सब की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहां पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब मैं इसे जो है फटाफट पैक कर लेता हूं, पैक करने के बाद मैं दिखाता हूं कि कौन सा पार्सल कहां कहां जाएगा। A few moments later. तो फाइनली मैंने सारे पार्सल पैक कर दिए और एक पार्सल तो चला भी गया। तो ये देखिए, ये 5 पार्सल हमने भेजने थे, और ये देखिए ये एक्सप्रेसवे का है, और ये जाने वाला है महाराष्ट्र, और ये देखिए ये भी जाने वाला है महाराष्ट्र, ये भी एक्सप्रेस बेस का है, और ये जाने वाला है उत्तर प्रदेश, ये भी एक्सप्रेस बेस का है, और ये जाने वाला है मध्य प्रदेश। 3 पैकेट थे महाराष्ट्र के, एक ऑलरेडी चला गया है, और अब ये 4 जाने वाले हैं, और एक बैग अभी बचा हुआ है, और अभी तैयार हो रहे हैं बैग और ऑर्डर आ रहे हैं, जैसे ही ऑर्डर आएंगे वो भी निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया, और उम्मीद करता हूँ जिन्हें ये नहीं लग रहा था कि हम ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास में चीज आती है या नहीं आती है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से उनको समझ में आ गया कि वाकई चीज आती है। बस कैश ऑन डिलीवरी ना होने की वजह से लोगों को शंका होती है कि पता नहीं चीज आएगी या नहीं आएगी, हम तो पैसे तो दे दे और फिर हमारे साथ में ठगी हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि कोई चेहरा दिखा करके ठगी नहीं कर सकता, बिना चेहरा दिखाए हुए लोग ठगी कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा यहाँ पे वीडियो बैग का, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।